आवाज मेरी दबी हुई है, पर भाजपा मुझे नहीं दबा सकती जब तक भाजपा की बोरी बिस्तर बांध के मध्य प्रदेश से मैं रवाना ना करवा दूं। आप लोग जरा यहां से हट जाओगे सामने से, उमेश हटिए सर। आपको समझ में नहीं आया? अरे पीछे वालों को दिखने दिया, रखा हो भाई। जनता यहाँ अनुशासन बैठी है मंच पे। चलिए आपको सब बैठ जाइए, मुझे कोई खड़ा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अनुशासन लाना है, जब तक आप बैठोगे नहीं है शुरू नहीं होगी। चलिए अरे बस भैया, पुलिस भी हो तो बैठना पड़ेगा। सरकार बच रही है, संजय का मंच है, जब तक नहीं बैठोगे मैं शुरू नहीं करूंगा। आजकल मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी घूम घूम कर कह रहे हैं, भाजपा के शासन में 15 साल बेमिसाल, 15 साल बेमिसाल। जबकि असलियत क्या है? असलियत यह है कि आज मध्य प्रदेश में गरीब को खाना नहीं, किसान को दाम नहीं, मेरी महिलाएं को सुरक्षा नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं, नौजवान को काम नहीं, और शिवराज सिंह जी को चिंता नहीं। पंद्रह साल बेमिसाल नहीं, शिवराज सिंह जी आप जहां भी हो सुन ले, आपने 15 साल में मेरे मध्य प्रदेश को बेहाल करके छोड़ दिया। किसान को दाम नहीं मिलता, सोया का दाम नहीं मिलता, उर्दा का दाम नहीं मिलता। मैं पिक्चर सुना रहा हूं, आप ट्रेलर की बात कर रहा हूं। किसान को दाम नहीं, मंडियों में किसान जाता है तो 7 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, दिन भर ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर और रात भर ट्रॉली के नीचे, और जब तुलाई होती है 7 दिन बाद
तब नगद राशि नहीं मिलती, तब मोदी जी का चेक मिल जाता है। किसान को दाम नहीं, मंडी में तुलाई नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं, मुआवजा राशि नहीं मिलती, और पेट्रोल और डीजल की तो बात ही मत करना। 2013 में जब मोदी जी प्रचार में निकले थे लोकसभा के लिए, उन्होंने कहा था, मेरे भाइयों बहनों, पेट्रोल के दाम घटने चाहिए या नहीं, डीजल के दाम घटने चाहिए या नहीं, रसोई गैस का दाम घटना चाहिए या नहीं, खाद का दाम घटना चाहिए या नहीं। आज 5 साल बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। क्या मोदी जी ने कहा था, हम मुंबई से अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन देंगे। बुलेट ट्रेन तो नसीब नहीं हुई, लेकिन बुलेट की तरह पेट्रोल और डीजल का दाम, डीजल का दाम 55 रुपया से 75-80, और आपको याद है जब 50 पैसे दाम बढ़ता था कांग्रेस के जमाने में, तब शिवराज सिंह जी साइकिल पे चढ़ के जाते थे मुख्यमंत्री से निवास से वल्लभ भवन। अब जब 30 रुपया डीजल का दाम बढ़ गया, तो शिवराज सिंह जी की साइकिल को क्या हो गया भैया? मैं मानता हूं उनको नैतिकता के आधार पर, अगर शिवराज सिंह जी की सरकार के, अगर मोदी जी की सरकार के विरुद्ध शिवराज सिंह जी दिल्ली में धरना चले जाते अपने 40 के 40 के साथ, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम 60 रुपया से सचिन तेंदुलकर का दशक सेंचुरी, रसोई गैस 414 रुपए से, और खाद का दाम जो 450 रुपया प्रति कट्टा होता था, आज 1400 रुपया प्रति कट्टा हो गया, और जो 50 किलो की बोरी थी वो 45 किलो के कट्टा। किसान को पूरी तरह से कुचला गया है। मंदसौर में तो मेरे अन्नदाता के छाती पे गोली चला दी। जिस सरकार ने अन्नदाताओं के छाती पे गोली चलाई हो, उस सरकार को जड़ से उठाकर बाहर करने का काम हम लोग को करना होगा। मोदी जी ने पुराने कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन निकलता था, चलो आज कुछ तूफानी कर देते हैं, उसी के आधार पर 8 नवंबर को नोटबंदी लागू कर दी। मोदी जी ने कहा था 50 दिन की मोहलत देना, नहीं तो जिस चौराहे पे भी खड़ा करना चाहते हो खड़ा करके मुझे प्रश्न पूछ लो। अब उज्जैन आ रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उज्जैन आए तो गोपाल मंदिर के चौराहे पे खड़े होकर उनसे प्रश्न पूछ रहे, और रेत की तो बात ही मत करना भैया। जितना प्यारा किसान को खेत,
उतना ही प्यारा भाजपा के नेता को और नर्मदा में तो 1.5 किलोमीटर का सड़क बना दिया, वो भी अमेरिका से बेहतर ना। कसूर मेरे मुख्यमंत्री का नहीं है। अरे भैया, जो 15 साल से उड़न खटोले में घूमे, हवाई जहाज में घूमे, 20,000 फुट से तो घंटा भी मखमल की तरह दिखता है। शिवराज सिंह जी सुन लीजिए, सड़कें नहीं है यहां, सैकड़ों यहां गड्ढे हैं, ये तो मौत के अड्डे हैं। नारा निकल गया है कि क्या रखा है किताबी संसार शेष में, आओ बिना पढ़े बनो डॉक्टर मध्य प्रदेश में। उन्हीं लोग के द्वारा जो छाती ठोक के कहते हैं कि कसम गीता की कि हम मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। एक बार स्वर्ग में भगवान राम बैठे थे, हिचकियां आने लगी तो सीता मैया ने पूछा, गुरुदेव क्या कष्ट है? तो भगवान राम ने घूम के बोला, मुझे हिचकियां आ रही हैं क्योंकि 5 साल समाप्त हो गए और भाजपा मुझे याद कर रही है। और वही स्थिति आज उत्पन्न हो गई है, चुनाव आ रहा है तो राम मंदिर की बात की जा रही है। अरे भाजपाइयों, मंदिर बनाना सीखना है तो सिंधिया परिवार से सीखो। लेकिन किसी के बीच में कभी लड़ाई नहीं होने दी। उज्जैन में मंदिर, महाराष्ट्र में मंदिर, उत्तर प्रदेश में मंदिर, राजस्थान में मंदिर, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत है। शिवराज सिंह जी क्या कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं आपका मामा हूं। हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने मामा के योगदान का क्या उल्लेख किया है? एक थे कंस मामा, जिन्होंने अपने भांजे को समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, सही है। एक थे कंस मामा, एक थे शकुनी मामा, जिन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य को समाप्त करने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा। तो एक थे कंस मामा, एक थे शकुनी मामा, और कलयुग के जमाने में एक मामा वल्लभ भवन में बैठे हुए हैं। कोई इनका सगा नहीं जिनको इन्होंने अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।